हेलो मेरे भाई और सबने जो समाज बारे में बताई थी, तो मैं अपने भाइयों को बता दूं। कुछ भाई मेरे फेसबुक पे जुड़े भी होंगे, अपने भाई जो पागलपंती देखते रहते हैं, क्या पागलपंती चलती हमारी, ठीक है भाइयों। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी लगभग एक महीने पहले 17 विधानसभा का नाम सुना होगा, जहाँ पे संगीत सोम विधायक है, सुना था। वहां पर मेरे समाज के एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई। उस गांव में जो संख्या हिंदू समाज की 20% और मुस्लिम समाज 80% है, उस गांव के अंदर पुलिस वाला भी जाते हुए डरता है, पुलिस वाला भी जाते हुए डरता है। अपने समाज की संख्या वहां लगभग 20 या 25 वोट होगी। वो पीट दिया और डर के मारे गांव छोड़कर आगे लोग समाज का व्यक्ति था। अब कुछ नहीं, एक दो दिन हमने देखते रहे, बैठे हुए थे राजू भाई, मतलब सारी टीम देखते रहे हो क्या रहा अभी, और हिंदुओं का मैटर है। अब मैं तो सहनी हूं, देखो मैं सहनी मानता हूं, मैं तो हिंदू मानता नहीं हूं। बताइए, किसी महापुरुषों का नाम अगर शिक्षा के नाम पर लिया जाए तो सावित्री बाई फुले से किसी का नाम मैं मानता नहीं श्रेष्ठ। क्रांतिकारी के नाम पर चढ़ना चाहे तो इंग्लैंड में जाकर गोली मारने वाले हमारे शहीद उधम सिंह से बड़ा कोई नाम क्रांतिकारी में नहीं है। अगर बात करें तपस्या की तो महाराजा फकीर से बड़ा कोई नाम नहीं है। अगर बात करें खेल की तो 233 देशों के बीच में ओलंपिक विजेता बनाने का काम मेजर ज्ञान से बड़ा खिलाड़ी आज तक पैदा नहीं हुआ भारत की सरजमीन पर। तो इस समाज के इतिहास का नाम भगीरथ सेना अपने सैनिक समाज के महापुरुषों को नमन करती है। और दमनकारी सरकारें चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, सपा बसपा किसी की भी हो, अगर एक सरकार नाम बदल देगा, अयोध्या का नाम चेंज कर देंगी, इसका नाम